बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, हादसे में कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 फौजी अहलकार शहीद। हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट विंदर लसबेला से मिल गया। आजाद कश्मीर हुकूमत का शहदा को खिराज अकीदत। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान ने हेलीकॉप्टर हादसे को कौमी सानहा करार दे दिया। वजीर आजम का शहदा को खिराज अकीदत। वजीर आजम काबीना के अरकान समेत शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वजीर आजम की हिदायत पर आजाद कश्मीर काबीना के इजलास समेत जुमला सरकारी मसरूफियात मुलतवी कर दी गयी। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का बलोचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार। गम की इस घड़ी में पाक फौज और शहदा के लवाइकीन के साथ हैं। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान से साबिक वजीर आजम राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान की मुलाकात। साबिक वजीर आजम ने सरदार तनवीर अलियास खान को मसले कश्मीर की सूरत हाल और 15वीं तरमीम के हवाले से 7 अगस्त को मुनक्किद की जाने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे दी और वजीर आजम आजाद कश्मीर के वालिद गिरामी सरदार अलियास खान की सेहत बारे दरियाफ्त किया। तेरहवीं तरमीम में हासिल इख्तियारात बदस्तूर मौजूद रहेंगे, इन पर कम्प्रोमाइज नहीं होगा। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान। स्पीकर कानून साज असेंबली चौधरी अनवारुल हक और डिप्टी स्पीकर चौधरी रियाज अहमद का बलूचिस्तान में आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर के अलमनाक हादसे में पाक फौज के आला अफसरान और जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। शहदा के बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। मामले खसूसी बराए तलाश चौधरी मोहम्मद रफीक नैयर का हेलीकॉप्टर हादसे में फौज पाकिस्तान के आला अफसरान और जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। शहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वजीर तवानाई आबिद वसाइल चौधरी अरशद हुसैन का हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फौज के अफसरान और जवानों की शहादत पर दुख का इजहार। शहदा के बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। सेक्रेटरी इतलात मोहतरमा मीदत शहजाद की जेर सदारत आजाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन की वेलफेयर कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी प्रेस फाउंडेशन राजा अजहर इकबाल ने इजलास की गर्ज वगैयत बयान की। इजलास में सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए 7 लाख रुपए की मंजूरी दी गई, जबकि ताखिर से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर कार्रवाई के लिए इजलास 23 अगस्त को इजलास मुनक्किद का फैसला किया गया। प्रेस फाउंडेशन की ग्रांट में इजाफा हुकूमत की सहाफियों की फलाह बहबूद में दिलचस्पी का सबूत है। सेक्रेटरी इतलात मोहतरमा मिदत शहजाद का प्रेस फाउंडेशन की वेलफेयर कमेटी के इजलास से खिताब। ह्यूमन रिसोर्स, पानी और सियाहत हमारे पास 3 बड़े वसाइल हैं, जिन्हें बैरुएकार लाकर रियासत को तरक्की की राह पर गामजन करने के साथ साथ रोजगार का मसला भी बड़ी हद तक कम किया जा सकता है। सेक्रेटरी सदारती अमूर डॉक्टर सैयद आसिफ शाह का कश्मीर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में तलबा से खिताब। कमिश्नर मीफ्यू डिवीजन चौधरी शौकत अली की जेर सदारत डिवीजनल टास्क फोर्स का इजलास। डिवीजन की 3 इजला की इंतजामिया को आटे, यूरिया, फर्टिलाइजर, लकड़ी और गंदम की स्मगलिंग की रोकथाम और आशूरा मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कारपोरेशन और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद साबिर मुगल ने ईद कुर्बा और मानसून बारिशों के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले म्यूनसिपल कारपोरेशन के अहलकारान और सैनिटरी वर्कर्स को इनामात दिए।